हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं हूँ अभिषा और आज है सैटरडे और अब हमारा नेक्स्ट टेस्ट जो कि ट्यूसडे को है वो है फ्रेंच का, इसलिए मैं भी फ्रेंच की तैयारी कर रही थी। और मैं आज सुबह 8 बजे के आसपास उठ गई थी, मैंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है और अभी मेरी मम्मा गई हैं, अभी मेरी मम्मा जा रही हैं अपनी एक फ्रेंड से मिलने के लिए, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मेरी मम्मा भी कहीं जा रही हैं पर मैं नहीं जा रही क्योंकि मेरा ना वो टेस्ट है फ्रेंच का, इसलिए फ्रेंच की तैयारी करनी है, इसलिए मैं नहीं जा रही पर मेरी मम्मा जा रही हैं। होप आपको मेरे बारिश वाला वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको मेरा ये वाला भी वीडियो ज़रूर अच्छा होप अच्छा लगा होगा। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप कैसे वीडियोस चाहते हैं। और जो आप टाइप्स ऑफ पीपल वाले कह रहे हैं वो मैंने सोचा है कि मैं अपने नए चैनल पर बनाऊँ, इस भार्गव आनंद पर इस चैनल पर बनाऊँगी तो कॉपीराइट लग सकता है, इसलिए मैं उस चैनल पर बनाऊँगी। अभी मैंने बनाया नहीं, इसको बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा पर मैं ज़रूर बनाऊँगी, तो आप उस चैनल को भी देखते रहिएगा। और अगर आपने उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मिस भार्गव आनंद को तो ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा उसको इस वीडियो को देखने के बाद और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद। और बस मैं भी पढ़ाई कर रही हूँ तो मैं आपको दिखा देती हूँ थोड़ा सा, फ्रेंच की तैयारी है, कुछ देर पढ़ूँगी। मीन्स अब जैसे कि 12:30 हो रहा है तो मैं सोचूँ कि मैं 3 बजे तक पढ़ लूँ और उसके बाद मैं थोड़ा सा कुछ और करूँगी, टीवी भी देखूँगी, फिर से पढ़ाई कर लूँगी, फिर खेलने जाऊँगी। तो फिर देखते हैं क्या होता है, क्या आखिर कितने टाइम पे होता है। ओके, सो मैं आपको दिखा देती हूँ। और फ्रेंड्स भी 4 बजने वाले हैं और आप देख सकते हैं कि मेरे बाल की हालत कैसी हो गई है, बिल्कुल ख़राब हो गई है। तो मैंने बाल झाड़ूंगी और मैं सोच रही हूँ कि मैं आज खेलने ना जाऊँ क्योंकि मैं सोच रही हूँ मुझे भी पढ़ाई कर लेनी चाहिए, फ्रेंच की तैयारी करनी है, तो वही सोच रही हूँ कि बस फ्रेंच ही करूँ। मैं अभी सोच रही खेलने ना जाऊँ आज, कल देखूँगी जाने का, आज सोच रही हूँ कि पढ़ाई करूँ तो बस। और मुझे कुछ मीठा खाने का मन था, मेरी मम्मा आ गई थी और फिर मैंने कहा मम्मा को मीठा बनाने के लिए, तो मम्मा ने लंच में खिचड़ी बना दिया, फिर मैंने खिचड़ी खाया और अब मेरी मम्मा बना रही हैं मीठे में। वैसे हम लोग उसको जैसे उसको ना ब्रेड मिठाई कहते हैं, तो पता नहीं सर क्या बोलते हैं, तो मेरी मम्मा बनाती है, बहुत टेस्टी, मुझे बहुत पसंद है वो, तो मैं आपको वो भी दिखाऊँगी फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स पता है जब इसकी मैं कुछ दिन से स्कूल से आती थी, स्कूल जब जाती थी और स्कूल के बीच तक मैं घर तक पहुंचती थी तब तक धूप रहता था, फिर थोड़ी देर बाद जो कि ना 3 बजे 3:30 के आसपास ना बारिश हो जाती थी और इतनी तेज़ बारिश होती थी ना मैं क्या बताऊँ, मतलब कि सुबह को ऐसा लगता भी नहीं था दोपहर तक कि बारिश होने के चांसेस हैं, पर जैसे ही 3:30 2:30 3 o'clock होता था बारिश शुरू हो जाती थी और वैसे मौसम भी चेंज होता, मतलब मौसम भी अच्छा लगता था, तो अच्छा है इसके लिए। मुझे लगता है कि आज भी शायद बारिश होने वाली है, देखते हैं आज बारिश होती है या नहीं होती। और ना एक दिन क्या हुआ था, बहुत ही अच्छा, बहुत ही कोइंसिडेंस था कि हमारी मैम ना हमें साइंस के हमें पढ़ा रही थी और क्या है, फिर उन बीच में उन्होंने कहा कि न्यूज़ में तो इतना दिखाता है कि बारिश होगी पर कि आज बारिश होने वाली है पर होता ही नहीं है। और जिस दिन मैम ने कहा ना उस दिन से ये इंसिडेंट शुरू हुआ कि या फिर 2:30 या फिर 3 o'clock से बारिश शुरू हो गई बहुत तेज़, तो मीन्स ये कोइंसिडेंस था कि मतलब उसी दिन से ना ऐसा शुरू हुआ बारिश होना, उससे पहले बारिश नहीं हो रही थी, गर्मी थी बहुत, तो मतलब कि कोइंसिडेंस था। तो देखिए मेरी मम्मा ब्रेड मिठाई तैयार कर रही है और जब बन जाएगा तो मैं आपको दिखा दूँगी। तो फ्रेंड्स देखिए ये है ब्रेड मिठाई और ये बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत ही झटपट बन जाता है।
ये देखिए बहुत ही स्वीट है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, ज़रूर ट्राई करिएगा इसको। तो फ्रेंड्स, बस मैं अभी अपने रूम में आ गई हूँ और फिर से पढ़ने बैठ गई हूँ। और मुझे मिठाई बहुत पसंद आया, बहुत टेस्टी था और वो ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, बस उसमें उसे हमें फ्राई करना होता है और फिर उसको जो होता है ना पानी और चीनी को मिक्स करके जो मिक्सचर बनाते हैं उसको हम गर्म कर देते हैं, फिर उसमें डाल देते हैं, फिर वो सिरप बन जाता है। फिर वो बहुत उसको हम लोग उस सिरप को उस ब्रेड में फ्राइड ब्रेड पे डाल देते हैं और फिर वो बहुत टेस्टी लगता है, मतलब बहुत अच्छा होता है और इतना आसान होता है तो कम टाइम में बन भी जाता है। और बस फ्रेंच की तैयारी करनी है, फ्रेंच के बाद मेरा हिंदी का टेस्ट है एंड देन इंग्लिश। सो मैं चाहती हूँ कि सारे टेस्ट जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए कि मैं फिर थोड़ा सा टाइम बचे मेरे पास थोड़ा सा मस्ती करने के लिए और ज़्यादा मस्ती, थोड़ा फ्री हो जाऊँगी ना, तो उस थोड़ी सी बंदी हुई हूँ टेस्ट है तो नहीं तो बाकी बस मुझे लगता है फ्राइडे सैटरडे संडे बंदी हुई हूँ, बाकी दिन मुझे नहीं लगता उतना ज़्यादा। एंड मंडे को भी, क्योंकि ट्यूसडे को टेस्ट है तो ऑब्वियसली मंडे को, फिर ट्यूसडे को लगता है कि आज ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया, अब ये करना है, तो मैं फिर ना उसको कुछ टाइम बाद करती हूँ थोड़ा सा। फिर मैम बहुत सारे होमवर्क दे देती हैं तो फिर अब बाद में करती हूँ। फिर फ्राइडे को मैम कम होमवर्क देती हैं क्योंकि मैम को पता होता है हमारा टेस्ट है इसलिए। और होप आपको मेरी सारी वीडियोस अच्छे लगते होंगे और मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ और अलग टाइप्स के बनाऊँ, जैसे कि सोचूँ कि मैं हेयर स्टाइल्स का वीडियो बनाऊँ तो मैं ज़रूर बनाऊँगी। आप मेरी वीडियोस देखते रहिएगा और इस व्लॉग को भी मैं ज़्यादा बड़ा नहीं कर रही हूँ, छोटा ही कर रही हूँ। तो अगर आपको ये अच्छा लगा होगा तो उसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा कि आपको कैसा लगा। एंड बस मैं नेक्स्ट वीडियो, मेरे सारी वीडियोस देखते रहिएगा।